बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमने अटेम्प्ट करना है, दैट इज़ स्टार्टिंग एमएस एक्सेस। अब पहले तो आपको बताया हुआ है कि एमएस एक्सेस जो है, दैट इट इज़ अ वर्सेटाइल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेजेस। And it is having a lot of extensive manual, a lot of extensive commands through which you can edit, create or add some file और आप उसका डेटाबेस ईजिली बना सकते हैं। अब आप सबको इसको ओपन करने का तरीका आता होगा, आपके स्टार्ट मेन्यू में जाकर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पड़ा होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप वहाँ से MS Access खोल सकते हैं, या आपके टास्क बार में नीचे जो सर्च का ऑप्शन होता है आप वहाँ भी सर्च कर सकते हैं। मैं आपको उसका, इधर आप इस पेज पे आपका जो बुक का पेज है, आप इधर देख सकते हैं कि इसको सिंपल वो किया हुआ है, लेबल किया हुआ है। ये है इसकी ऊपर, जिसको हम टाइटल बार कहेंगे, आफ्टर दैट मेन्यू बार, आफ्टर दैट टूल बार। अब ये जो दिया हुआ है, दैट इज़ आई गेस 2003 का ये व्यू आपको दिया हुआ है, टास्क पेन एंड स्टेटस बार। तो मेरे पास जो है, दैट इज़ 2013 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो उसका जो व्यू है दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। ये है उसका व्यू। अब ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपके पास है टाइटल बार, ये है आपके पास मेन्यू बार और ये है आपके पास टूल बार। अब टाइटल बार क्या करता है, ये आपको इसकी डेफिनेशन मेंशन है बुक पर ऑन पेज नंबर 55। मैं आपको एक दफ़ा ये आपको सारी डेफिनेशन मेंशन है, ठीक है। अब आपने इसको याद करना है, टाइटल बार की डेफिनेशन भी याद करनी है, मेन्यू बार की भी याद करनी है, टास्क पेन की भी आपने लर्न करनी है, एज वेल एज़ टूल बार की भी आपने लर्न करनी है और स्टेटस बार की भी आपने लर्न करनी है। तो ये तो रिक्वायरमेंट है, आपने लर्न करनी है। अब मैं आपको यहाँ से शो कर देती हूँ। ये आपके पास टाइटल बार है, टाइटल बार सबसे टॉप मोस्ट बार होता है आपकी विंडो का, जो कि आपको दिखा रहा होता है कि आपने एक्सेस प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, उसका आइकन शो कर रहा होता है, ठीक है, उसका नेम शो कर रहा होता है और ये तीन कंट्रोल बटन शो कर रहा होता है। आपकी डेफिनेशन रहती है, लेकिन अब जो न्यू आ रहे हैं, वहाँ आपके पास सेव का ऑप्शन भी है, अनडू का भी है, रीडू का भी है, तो ये ऑप्शंस भी हैं। इसके अलावा आपके पास ये है मेन्यू बार। अब मेन्यू मतलब ये फाइल में जाकर उसमें क्या क्या अवेलेबल है, जिस तरह आप मेन्यू कार्ड देखते हैं, होम में क्या है, क्रिएट में क्या है, एक्सटर्नल डाटा में क्या है, डेटाबेस टूल्स में क्या क्या है, तो ये मेन्यू बार है। इसमें आप मेन्यू देख सकते हैं उस कैटेगरी में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो मेन्यू बार बेसिकली डिस्प्लेज द नेम ऑफ वेरियस मेन्यूज। उसके बाद है आपके पास टूल बार। ये आपके पास है टूल बार, जी। तो ये है आपके पास टूल बार। इसके अंदर डिफरेंट टूल्स आपको गिवन है, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके यूटिलाइज कर सकते हैं जो आपको चाहिए हो। उसके बाद आपके पास टास्क पेन उधर आपको गिवन है पिक्चर में, उसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, इसको टास्क पेन बोला गया है। जो पुराने थे वहाँ इस तरह का कॉलम बना हुआ आ जाता था, जहाँ आपको डिफरेंट कमांड्स शो की जाती थी, जिसको आप आपकी रेडीली एक्सेस में होती थी। फॉर एग्जांपल, अगर आप ज़्यादा क्लिप आर्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ क्लिप आर्ट का ऑप्शन साइड पर दे दिया जाता है, सो दैट आपके लिए ईजी हो जाए, आप यहाँ से एक शॉर्ट मेन्यू से वो चीज़ चूज़ करके उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो ये बॉक्स होता है जो कि राइट साइड पे विंडो पर होता है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिफरेंट ऑप्शंस को, जो कि यूज़र बार बार अगर यूज़ करे तो वो उसकी लिस्ट आ जाती है। मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया, मे बी इसकी आ जाए लिस्ट, तो ये यूज़र इसको देख रहा होता है तो इसकी लिस्ट आ जाती है, डिज़ायर्ड एक्शन जो है, जो यूज़र ने यूज़ करना होता है, उसकी लिस्ट बन कर आ जाती है, वहाँ से ये अटेम्प्ट हो सकता है। फर्दर टूल बार का आपको बता दिया है, स्टेटस बार है यहाँ नीचे, एस एच रिकॉर्ड का आ रहा है और पेज नंबर्स आ रहे हैं, सर्च का रहा है, इवन दो इफ आई टाइप समथिंग,
SH इधर नीचे कोई कमांड शो नहीं हो रही, वेरस जो 2003 का इमेज आपको दिया हुआ है वहाँ ऐसी कमांड शो हो रही है रेडी एंड। इवन दो अगर आप वर्ड ओपन करें, पावर पॉइंट ओपन करें, तो वहाँ भी इस तरह का स्टेटस बार आ रहा होता है, आप जो लिखते हैं आपको नीचे उसकी नज़र आती है, आर यू रेडी, इतने वर्ड्स हो गए हैं, इतने पिक्सल्स कंज्यूम हो गए हैं। इवन दो अगर आप पेंट भी यूज़ करें तो नीचे उसका स्टेटस बार आ रहा होता है, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है जिसको हमने डिस्कस करना है, दैट इज़ टेबल स्ट्रक्चर। अब जो टेबल स्ट्रक्चर है ये डिफरेंट वेरियस फील्ड को आइडेंटिफाई करता है उसके नेम से, उसके साइज से, उसके टाइप से और उसकी डिस्क्रिप्शन से। ये हमें बेसिकली ये जो फील्ड की टाइप्स हैं ये उसको रिप्रेजेंट करता है। अब डिफरेंट टाइप्स हैं फील्ड की, न्यूमेरिक फील्ड, टेक्स्ट फील्ड, करेंसी फील्ड, डेट एंड टाइम फील्ड एंड मेमो फील्ड। अब जो न्यूमेरिक फील्ड है, अगर आप किसी एक फील्ड को न्यूमेरिक फील्ड बोल देते हैं तो आप उसमें सिर्फ न्यूमेरिक्स मतलब नंबर्स ही ऐड कर सकते हैं और उसके ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। वेर एज जो टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर आप न्यूमेरिक्स भी एंटर कर सकते हैं, सिंबल भी एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आप कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और जो करेंसी फील्ड है इसके अंदर आपको जो सिंबल हैं करेंसी के वो शो हो जाएंगे और आप इसके अंदर कोई डेसिमल और कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी फील्ड को डेट और टाइम फील्ड कर दें तो वो वैलिड डेट और टाइम शो करेगा। और मेमो फील्ड जो है ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन शो करता है, अगर आपने एक के बारे में कुछ ज़्यादा लिखना हो तो अगर आप उस फील्ड को मेमो फील्ड कर दें तो वो आपको ज़्यादा जगह दे देगा, सो दैट यू कैन राइट एज मच एज यू वॉन्ट। एक्सेस में मैं आपको ये चीज़ दिखा भी देती हूँ, ये है और यू कैन सी शॉर्ट टेक्स्ट, नंबर, न्यूमेरिक फील्ड, करेंसी। तो अगर मैं इसको करेंसी रिप्रेजेंट कर देती हूँ तो यहाँ आप डेट एंड टाइम भी गिवन है और मोर फील्ड्स में आपके पास डिफरेंट चीज़ें भी हैं, आप करेंसी कौन सी यूज़ करनी है, फिक्स्ड हो, स्टैंडर्ड एंड ऑल दैट। ये मैंने करेंसी फील्ड सिलेक्ट की तो ये इस फील्ड को उन्होंने करेंसी का फील्ड कर दिया। अब इसमें मैं सिर्फ एंटर कर सकती हूँ डेसिमल, करेंसी और न्यूमेरिक्स ऐड कर सकती हूँ, मैं इसके अंदर टेक्स्ट नहीं ऐड कर सकती। तो ये मैंने इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी आप लोग को परफॉर्म करके दिखा दिया, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फर्दर जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है जिसमें आपने डिस्क्राइब करना है टाइप्स ऑफ फील्ड, तो उसका जो आंसर है वो यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे कि जो टेबल है उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड होती हैं, फिर उसमें आप न्यूमेरिक फील्ड को डिस्क्राइब करेंगे, टेक्स्ट फील्ड को, करेंसी फील्ड, डेट टाइम फील्ड एंड मेमो फील्ड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा उस चीज़ का। फर्दर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व एंड योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़।